हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू सीएससी हेल्पडेस्क 2.0 में फिर से आपसे एक स्वागत है। मैं उत्तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएससी हेल्पडेस्क। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे सीएससी के बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। दरअसल मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपने देखा होगा कि कैसे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आपका यहाँ पे जो बैंक बीसी है वो अप्रूवल होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगा, फिर स्टेट टीम के पास जाएगा, फिर जाके आपको बैंक के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। तो अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इससे रिलेटेड बैंक बीसी से, क्योंकि अगर आपका अप्रूवल अभी तक पेंडिंग में है तो वो क्यों है उससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया, करीब एक महीने हो गए, उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ व्हाट्सअप में आपको यहाँ पे चैट दिख जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि मेरा अप्रूवल अभी तक क्यों नहीं हुआ, वो आपकी तरफ से यहाँ पे पेंडिंग है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले अपना डिजिटल पोर्टल का जो ट्रांजेक्शन है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैंने क्या किया कि स्क्रीनशॉट उनको भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि आप जो है एक महीने का पूरा भेजिए कि आपने एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन किया। तो मैंने वहाँ पे उनको जब स्क्रीनशॉट भेजा तो उन्होंने बोला कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 60 से ले कर 120 ट्रांजेक्शन आपका हर महीने होना चाहिए, तभी आपका जो अप्रूवल है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अब जो कंपनी है सीएससी कंपनी, वो आपको एज ए एम्प्लॉई, सीएससी का आप एम्प्लॉई हैं, आपको यहाँ पे एक टारगेट दे रही है कि आप इस टारगेट को अचीव करेंगे तभी आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मतलब कि अगर आप 120 ट्रांजेक्शन करेंगे तभी आपको बैंक बीसी यहाँ पे मिलेगा। तो कंपनी इस तरीके से यहाँ पे अपने वीएलईस के साथ वर्क करती है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि आपका जो बैंक बीसी है वो क्यों अप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आप ज़्यादातर आपके सीएससी सेंटर पे लोग आते नहीं होंगे, तो आप ज़्यादा वर्क करते नहीं हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते नहीं हैं, तो फिर आपको ये बैंक बीसी का जो अप्रूवल है वो नहीं मिल रहा है। तो ये है यहाँ पे सीएससी कंपनी का रियलिटी। अगर मान लीजिए आपका जो अप्रूवल है वो डीएम की तरफ से रुका हुआ है तो उसका मेन रीज़न हो सकता है कि यही हो, क्योंकि मेरे यहाँ जो मैं प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ के डीएम जो है उन्होंने, आप देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा मुझसे पूछा कि आपका कितना है, जबकि मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत चीज़ों के लिए यहाँ मैंने इनसे बोला कि सर ये मेरा क्यों नहीं अप्रूव हो रहा है। तो इन्होंने सिर्फ टाल मटोल किया, उसके बाद इन्होंने जो है कभी भी फ़ोन से बात नहीं की अच्छे तरीके से। बहुत लोगों को मालूम होगा कि जो डीएम होते हैं वो अच्छे से बात ही नहीं करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सअप पे, अपने वीएलईस जो आपके दोस्त हैं वीएलईस हैं उनको, अगर आपसे उनका संपर्क है तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और यहाँ पे मतलब कि ऊपर तक पहुंच सके वीडियो, और उनको यहाँ पे ये पता चल सके कि सीएससी जो कंपनी है डिजिटल इंडिया के तहत ये वर्क करती है। मतलब कि डिजिटल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यहाँ पे नैरेटिव था कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंच सके, तो उसमें से बैंक भी है, बैंकिंग क्षेत्र में भी, कि बैंक बीसी खुले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएँ, ग्रामीण में लोगों का जो गांव के लोग हैं उनका जो हेल्प हो सके। तो ऐसे में क्या है कि सीएससी जो कंपनी है वो एज ए नेटवर्किंग यहाँ पे काम कर रही है। मतलब कि वो मिशन आप छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट का वो मिशन के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, पहले आप सीएससी का टारगेट अचीव करेंगे तब जाके आपको सीएससी की जो सर्विस है वो मिलेगी, तब जाके आप उसमें वर्क कर पाएंगे। तो ये सिस्टम इन्होंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विद प्रूफ है कि पहले आपने कोई भी IIBF का सर्टिफिकेट ले लिया है, आपने कोई भी यहाँ पे पढ़ाई की, कुछ भी किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप जो है इनको बिजनेस दीजिए, पहले आप 120 लो ट्रांजेक्शन करिए, कुछ पैसा सीएससी को मिले, तब लगे कि हाँ यहाँ पे जो है एलिजिबल है, तभी आपको यहाँ पे जो है बीसी पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको यहाँ पे पता चल सके कि आपका हो सकता है जो रजिस्ट्रेशन है, जो बैंक मित्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो इसी वजह से यहाँ पे पेंडिंग में चल रहा होगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि अगर आपका डीएम की तरफ से अभी तक अप्रूवल है, बाकी है, अप्रूव नहीं हुआ, तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि लोगों तक यहाँ पे ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन पहुँच सके
कि कंपनी कैसे यहाँ पे VLEs के साथ यहाँ पे जो है बिहेव करती हैं, DM कैसे बात करते हैं और कैसे टारगेट दिया जा रहा है किसी काम करने के लिए, तो ये लोगों तक संदेश जो पहुँचे और एक संदेश और जाए इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ CSC के माध्यम से ही बैंक BC ले सकते हैं, आप डायरेक्ट बैंक से भी आप बैंक BC ले सकते हैं, CSP ले सकते हैं, दूसरी कंपनी है वो भी आपको बैंक BC प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जीरो मास हो गया, ये सब कंपनियाँ जो हैं आपको यहाँ पर बैंक BC वो भी स्टेट बैंक ही आपको प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो कि आपको बैंक BC प्रोवाइड करती हैं। आधार कार्ड, जैसे आधार सेंटर लेना है तो आधार सेंटर के लिए भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि आपको यहाँ पे सेंटर प्रोवाइड करती हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ CSC के माध्यम से ही यहाँ पे जो है बैंक BC लें, आधार सेंटर लें। ये संदेश लोगों तक पहुँच पाए इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करिए। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बस एक काम जरूर करिएगा। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।